महाराजगंज जिले में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को समय का हवाला देते हुए परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया। मीडिया से चर्चा में परीक्षार्थियों ने बताया कि बस्ती जिले से परीक्षा देने के लिए आए थे, परीक्षा के समय से 2 मिनट लेट पहुंचने पर केंद्र से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा अन्य परीक्षार्थियों को भी बैरंग वापस लौटना पड़ा। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि हम लोगों के साथ भेदभाव करते हुए 2 मिनट विलम्ब होने पर वापस कर दिया गया, जिससे सालों की मेहनत बर्बाद हो गयी। सर, जो इसमें टाइम दिया हुआ है, इसमें टाइम दिया हुआ कि 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। मैं 2:32 पर आई हूँ और उसके बाद मुझे एंट्री नहीं मिली है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरे साथ कम से कम 15-20 बच्चे थे, वो भी बहुत गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कोई सुना नहीं किसी का। सबने गेट से एक लड़की तो अंदर जाके, उसको किसी तरह से अंदर जाने का मौका मिला, फिर भी उसको बाहर निकाल दिया गया। सब बच्चे गिड़गिड़ा के रो रहे थे, किसी की सुनी नहीं गई। सर, यहाँ 2 कॉलेज है, एक कॉलेज है, एक स्कूल है, इसलिए इसी में बच्चे कुछ कन्फ्यूज हो गए। एक और जब दूर से कोई बच्चा आएगा तो वहाँ का यहाँ का हर एक चीज़ उसको पता रहेगा नहीं, कुछ तो कन्फ्यूजन होगी, तो 2-4 मिनट के लेट में उसको एंट्री दे दी जानी चाहिए। मेरे सर, मैं पूरा साल भर मेहनत से पढ़ाई की हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, सबका पालन पोषण करते हुए मैंने पढ़ाई की है। अब मुझे पता नहीं कब मौका मिलेगा, यहीं साथ इसके बाद वैकेंसी निकलेगी, फिर मुझे एग्ज़ाम में बैठने को नहीं मिलेगा, पता नहीं कब फिर मौका मिलेगा, और सारी मेहनत सर बेकार हो गई। और बच्चे भी यही सब कह रहे थे। अब पता नहीं सब बच्चे घर गए कहाँ गए, सब रो रो के इधर उधर परेशान थे। सर बताइए मैं क्या करूँ, अब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हमको एग्ज़ाम से हटा दिया गया है।